पटना कैंट के एक निजी होटल में इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिससे इनेलो पार्टी के दूसरे प्रदेश प्रवक्ता ने भी भाग लिया। इसके साथ पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इस मौके पर कोरोना महामारी पर ओंकार सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लिया। आंकड़ों के खेल का भी इसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल चल रहा है। सरकार पर आरोप भी लगाया कि किस तरह कोविड-19 के मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जा रहा है, जहां पर मरीजों की अच्छे से नहीं हो रही देखभाल। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता अमनदीप केसरी ने भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। आज कोरोना के जो मामले हैं दिन प्रतिदिन देश और प्रदेश में, हरियाणा में भी और पूरे देश में भी, वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और इसके पीछे 100% सरकार की, केंद्र सरकार की भी और हरियाणा सरकार की नाकामी और असफलता है। इन्होंने इनकी नीतियां हैं, जो ये रोज नई नीति बना देते हैं, और नीतियों की वजह से कोरोना दिन प्रतिदिन बेकाबू होता जा रहा है। आज देश में 46 लाख से आंकड़ा पार हो चुका है, लेकिन बहुत शर्म की बात है, ये सत्ता सिंह बीजेपी के नेता अभी भी देश में लोग कहते हैं कि हमारे भारत में स्थिति कंट्रोल में। अगर 46 लाख मरीज भारत में है, हरियाणा की बात हम करें, आज हरियाणा कोरोना के मामले में 13वें नंबर पे है, और अंबाला हमारा फरीदाबाद गुड़गांव के बाद 4वें नंबर के बाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। और हमारे मंत्री जी बात करते हैं सुभाष पार्क स्टेडियम वार मेमोरियल 300 करोड़ रुपए वहां लगा देंगे, 150 करोड़ रुपए हम यहाँ लगा देंगे, 50 करोड़ रुपए यहाँ लगा देंगे। आज हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य सुविधाओं की। मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ, एक श्वेत पत्र जारी करो जिसमें पता लगे कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं 25 मार्च से पहले क्या थी, और 25 मार्च के बाद आपने कितने वेंटिलेटर सरकारी सुविधाओं के ऊपर बनाए, कितनी बेड फैसिलिटीज दी, कितने सरकारी अस्पतालों को आपने क्वारंटीन सेंटर में बदला। ये प्राइवेट सेंटरों की तरफ भाग रहे हैं, मुलाना मेडिकल कॉलेज मिशन हॉस्पिटल इनकी तरफ भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे इनको पैसे दिए जाते हैं 2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए पर मिनट। मैंने आरटीआई लगा रखी है कि आप इनको कितने पैसे देते हो पर डे पर मिनट। आज कोई भी व्यक्ति कोरोना को नहीं मान रहा, किसी को कह दो कोरोना के मैं नहीं मानता, किसी को कह दो कोरोना का टेस्ट करा ले, सिविल अस्पताल में करा यार टेस्ट बेकार है पॉजिटिव आएगा, ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास एक कुछ सबूत है, ये सबूत है कि इनकी रिपोर्टें क्या है, क्या कर रही है सरकार। ये 17 अगस्त शाम को रिपोर्ट आई कि ये पॉजिटिव है, 17 अगस्त की सैंपलिंग 18 को रिपोर्ट आई कि ये पॉजिटिव है। ये बुजुर्ग का टेस्ट 17 तारीख को हुआ, अंबाला में हुआ, VDRL टेस्ट हुआ, सारी चीज सेम है। ये टेस्ट हुआ इसमें बता रहे पॉजिटिव, 18 तारीख को 32 सेक्टर चंडीगढ़ उसने टेस्ट किया, और इनकी 19 तारीख को मृत्यु होगी इसकी रिपोर्ट आने से पहले। 19 तारीख 18 तारीख को 17 दिन उन्होंने पॉजिटिव बताया, 18 तारीख को चंडीगढ़ वालों की रिपोर्ट आ रही नेगेटिव। कौन सच्चा, अंबाला वाला सच्चा या चंडीगढ़ वाला सच्चा? इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने देश और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों को सरकार की गलत नीतियों का नतीजा बताया। उन्होंने सरकार के मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 46 लाख के पार हो चुका है, और सरकार के मंत्री और संतरी बड़ी बेशर्मी से अब भी कहते हैं कि स्थिति काबू में है। उन्होंने गृह मंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा कि हमारा अंबाला गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद 4थे स्थान पर हॉटस्पॉट पर है। और मंत्री जी बात करते हैं पार्क और स्टेडियम की, उन्होंने कहा कि आज हमें स्टेडियम की बजाय स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है। हमारी पार्टी का स्टैंड है, ये 3 काले कानून जो 3 अध्यादेश केंद्र की सरकार ने पारित किए हैं, इनको जल्द से जल्द सरकार वापस ले। हम किसानों के ऊपर जो खासकर ये अपरपत्ता का कानून लगा रहे हैं, 307 के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, हम इनको सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर आपने ऐसी प्रवर्तक किसानों को नहीं बंद की, किसान अध्यादेश वापस नहीं लिए, तो इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अमर सिंह के नेतृत्व में सड़कों पर उतरेगी और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इस हरियाणा प्रदेश की सरकारों के नाक में दम करती है। लेकिन अपना जब इनका फ्रैक्चर होता है तो इनका जो एक्सरे है वो सीलाब हॉस्पिटल में होता है, वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होता। क्या ये जनता के मन में शंका नहीं उत्पन्न करता इस हॉस्पिटल की कारगुजारी के बारे में? इस हॉस्पिटल की काबिलियत क्या है? बहुत सुंदर बिल्डिंग बना दिया है। इस हॉस्पिटल की कारगुजारी और इसकी कार्यक्षमता के बारे में तभी हमारे को पता लगेगा जब हमारे मंत्री संतरी सब इसी में जाके इलाज कराएंगे। अगर हम अपना इलाज तो सीलाब में चले जाते हैं,
उसके बाद पंजाब में चले जाते हैं, हरियाणा के किसी हॉस्पिटल में हमारे कोई विश्वास नहीं है, मैक्स हॉस्पिटल चले जाते हैं और वापसी आते हैं तो वहां से बेड भी ले आते हैं। ये फैसिलिटी आपको तो अवेलेबल है, लेकिन आम नागरिक के पास तो आज की डेट में ये पोजीशन है। ईश्वर ना करे किसी के घर में किसी को कोरोना हो जाए, आप पता कर लो किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको बेड अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे घर में भूख भी है और बीमारी भी है, हमारे पास सोर्सेज भी लिमिटेड है, तो हम सबसे पहले किस पे पैसा खर्च करेंगे? हम बीमारी पे पैसा खर्च करेंगे ताकि हमारा मरीज बचे। आज हरियाणा के पास सोर्सेज तो बहुत लिमिटेड है, राशन है नहीं, 1,97,800 करोड़ का कर्जा प्रदेश के ऊपर चढ़ चुका है, आगे 17,500 करोड़ कर्जा और लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कर्जा लेके अगर हम पार्क बनाएंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे, मूर्तियां बनाएंगे, चौक बनाएंगे, वार मेमोरियल बनाएंगे, तो इससे प्रदेश की तरक्की होने वाले नहीं है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से आवाज है कि आप सबसे पहले तो कोरोना मरीजों के बारे में आप श्वेत पत्र जारी करो, जैसे आप जारी करते हो आज इतने अम्बाला में आए, इतने कुरुक्षेत्र में आए, हर रोज जारी करते हो, ऐसे ये भी जारी करो कि 25 मार्च से पहले आपके पास कितने बेड थे, कितने वेंटिलेटर थे, कितने अस्पताल में ऑक्सीजन थी और कितनी आपने सीएससी और सिविल अस्पताल को आपने क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया,